इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है कि आप अपना फ़ोन पे से पेटीएम में पेटीएम वॉलेट में जो कि आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है फ़ोन पे में कि आप डायरेक्टली जो है कि पेटीएम वॉलेट में जो कि पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे जो है कि आप फ़ोन पे अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको सिंपली करना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को यहाँ से एक लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। अगर आप पेटीएम डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड पेटीएम का आपको लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली अपना पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना, चलिए मैं ओपन कर लेते हैं। आपको पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करना है फ़ोन पे से, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखेंगे यहाँ पे मेरा जो पेटीएम ओपन हो चुका है तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे माय पेटीएम में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्टोरी हो गया, फिर यहाँ पे पेमेंट बैंक हो गया, फिर यहाँ पे पेटीएम वॉलेट हो गया, ऑल सर्विस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है पेटीएम वॉलेट का, ये वाला आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे पेटीएम का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पेटीएम वॉलेट यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम ब्लैक कलर में, यहाँ पे ऐड मनी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड मनी टू पेटीएम बैलेंस, तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आपका शो होगा, जितना रुपये भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा वो आपका यहाँ पे शो होगा। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट में यहाँ पे आपको एंटर अमाउंट करना है, जितने रुपये भी आपको अपने पेटीएम में ऐड करने हैं फ़ोन पे से। तो चलिए सिंपली हम यहाँ से कर लेते हैं 10 रुपीज़ कर लेते हैं, यहाँ से हम 10 रुपीज़ ऐड करेंगे या 100 रुपीज़ कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मनी विल एडेड टू यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, सिंपली अगर आप ध्यान देखिएगा यहाँ पे अगर आप वॉलेट में पैसे को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे पेटीएम वॉलेट के ऊपर टिक लगा होना चाहिए। इन्हें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम गिफ्ट वाउचर भी है, तो अगर इसके ऊपर टिक लगा होगा तो ये जो आपका बैलेंस होगा तो गिफ्ट वाउचर में चला जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें, या अगर आप पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे पेटीएम वॉलेट के ऊपर यहाँ पे देख लें टिक लगा होना चाहिए। तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको आ गया है, यानी ऐड यहाँ पे ऐड मनी टू वॉलेट, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड वाला जो सेक्शन है ओपन हो चुका है। तो ये जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है पेमेंट पेमेंट बैंक वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देखेंगे ये सारे जो कार्ड्स हैं हमारे यहाँ पे सेव कार्ड्स हैं पेटीएम में, तो वो सारे यहाँ पे सेव हो रहे हैं। तो आपको नीचे स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड करना है और आप देखेंगे नीचे में तो आप यहाँ पे देखेंगे भीम UPI हो गया, फिर डेबिट कार्ड हो गया, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो गया। तो आपको क्या करना है कि फ़ोन पे से अगर आपको पैसे को ऐड फोन पे अकाउंट से पैसे अगर आप पेटीएम वॉलेट में आपको ऐड करना है तो आप इसके ऊपर सिंपली इसके ऊपर टिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट में पेटीएम है, फिर फोन पे है, फिर गूगल पे है। तो आपको सिंपली यहाँ पे फोन पे के ऊपर क्लिक करना है, और फोन पे को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे के ऊपर क्लिक करना है, और पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस वाले फ़ोन में मेरा जो है कि फ़ोन पे का एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो सिंपली यहाँ पे देखें अमाउंट शो हो रहा है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटीएम हो रहा है, यहाँ पे पेटीएम UPID है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, सेंड के ऊपर में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि UPI पिन पेमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पे आपका UPI पिन एंटर करेंगे तभी पेमेंट सक्सेसफुल होगा। तो जो भी आपका पिन है तो आप सभी को पता है वो आपका पिन जो है कि आपको एंटर कर देना है, आपका जो भी UPI पिन है। UPI पिन एंटर करने का सिंपली यहाँ से ये वाला जो टिक करेंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं टिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है पेड 100 रुपीज़ सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैंने आपको बताया, देख सकते हैं मेरे जो यहाँ पे मनी एडेड सक्सेसफुली 100 रुपीज़ हमारे पेटीएम में 100 रुपीज़ जो है कि फ़ोन पे से ऐड हो चुका। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको भी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 100 रुपीज़ मैंने भी जस्ट ऐड किया फ़ोन पे से पेटीएम में, और यहाँ पे हम अपने फ़ोन पे को ओपन करके यहाँ से फ़ोन पे की हिस्टोरी भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 31 सेकेंड पहले जब भी जस्ट मैंने किया यहाँ पे डेबिटेड फ्रॉम यहाँ पे जो कि मेरा फ़ोन पे अकाउंट से जो कि मेरा यहाँ पे पैसा यहाँ से डेबिट हो चुका और हमारे पेटीएम वॉलेट में पैसा वहाँ पे ऐड हो चुका। तो चलिए इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे एक कमेंट आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा।